हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कैसे हम स्विंग जावा नेटबीन्स का यूज़ करते हुए स्विंग में एक जे फ्रेम से दूसरे जे फ्रेम पे कैसे जा सकते हैं किसी बटन पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे दो जे फ्रेम क्रिएट करता हूँ। तो स्विंग एग्जांपल फोल्डर के अंदर पहले भी हमने ये सारे एग्जांपल्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर मैं दो फाइल्स और बनाता हूँ। तो फाइल में जाके मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया स्विंग जे फ्रेम और इसका नाम मैं दे दिया वन। ठीक है, मैं एक बनाऊँगा वन नाम से और एक बना देता हूँ टू नाम से। फिर वन वाली जो फाइल है, जो फ्रेम जे फ्रेम रहेगा, ठीक है, जिसका नाम हम वन रखेंगे, तो उसमें हम एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन पे क्लिक करते ही हम चाहते हैं जो सेकंड वाला फ्रेम है टू नाम से जो हम बनाएंगे वहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जाएं। ठीक है, मतलब वो वाली विंडो ओपन हो जाए। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे एक बटन क्रिएट करना है। ठीक है, और इस बटन पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया सेकंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पे बटन पे क्लिक करने से हमारा सेकंड वाला फ्रेम ओपन हो जाए। ठीक है, हमने इसमें टाइप कर दिया गो टू सेकंड। इसका मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक और जे फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो फाइल में जाके मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक और जे फ्रेम क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया सेकंड। ठीक है, तो हम दो जे फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड वाला जे फ्रेम है। इस पे भी हम एक चाहें तो बटन बना सकते हैं। इस पे हम एक बटन बनाते हैं। इस पे हम कुछ नहीं बना, इस पे जस्ट हम एक लेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लेबल पे, दिस इज सेकंड फ्रेम, सेकेंड जे फ्रेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज सेकेंड फ्रेम। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये वाला फ्रेम ओपन हो जाए जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें। तो बटन पे हम कोड करते हैं। इस बटन पे मैंने डबल क्लिक किया और अब इस बटन का कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सेकेंड डॉट जावा नाम की हमने फाइल बनाई है उसमें आप अगर देखेंगे तो जिस नाम की फाइल होती है उसी नाम की क्या होती है, हमारे पास क्लास भी होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसी नाम की क्लास भी आ जाती है। तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बटन पे मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सेकेंड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इसका रेफरेंस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तो क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप एक मेथड कॉल करेंगे सेट साइज। ठीक है, मतलब जो सेकंड विंडो ओपन होगी उसका साइज आप कितना रखना चाहते हैं
ठीक है, मतलब उसका विड्थ और हाइट कितना आप देना चाहते हैं? ठीक है, तो उसका विड्थ और हाइट मैंने दे दिया सपोज़ 500, 300। ठीक है, उसके बाद मुझे उसको विजिबल करवाना है, तो एक मेथड हम यूज़ करेंगे सेट विजिबल। सेट विजिबल में हम लिखेंगे ट्रू, इसमें हम बुलियन वैल्यू पास करते हैं, तो इसमें हम ट्रू पास कर देते हैं ताकि वो फ्रेम विजिबल हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, जो हमारा वन डॉट जावा फाइल है उसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सेकंड फ्रेम हमारा ओपन हो चुका है, जो भी हमने इसका विड्थ और हाइट सेट किया था 500, 300, तो उस साइज का ये ओपन हो गया। अब आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि कैसे हम एक जे फ्रेम से दूसरे जे फ्रेम पे जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दैट लेक्चर। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।